Hello students, good morning, good afternoon, good evening. I welcome you to my YouTube channel English Literary Passion. Dear students, we are on the page number 20 of the History of English Literature written by W.J. Long. So here we are on the second paragraph of the page 20. The rhythm of Beowulf and indeed of all our earliest poetry depended upon accent and alliteration. यहाँ पर ब्यूल्फ जो एक पोइम लिखी गई है उसके रिदम के बारे में बात कही गई है. रिदम का मतलब कैडेंस होता है, जो फ्लक्चुएशन ऑफ द टोन जिसको बोलते हैं. ये हमारे अर्लीस्ट पोइट्री का जो टोन है सच में इस बात पर डिपेंड करता है कि वो इसमें एक्सेंट्स कितने हैं और फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन कितना यूज़ हुआ है. मोस्ट प्रोबेबली एलिट्रेशन इज़ द फिगर ऑफ स्पीच विच हैज़ बीन वाइडली यूज इन द पोएम. मतलब एलिट्रेशन का बहुत ज़ोर शोर से यूज़ किया गया है और इसके एक्सेंट पर डिपेंड करता है कि वो पोएम कैसी है, यानी कि सोलली डिपेंड्स अपॉन द एक्सेंट एंड एलिट्रेशन. ये बीवुल्फ की है, बहुत ये कह सकते हैं अर्लीस्ट पोएट्री है. हालांकि विटसीथ जो है ओल्डेस्ट पोएम मानी जाती है. दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स इन द सेम लाइन. यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक ही लाइन में जो बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स, फॉर एग्जांपल के तौर पर कहा गया है कि द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स इन द सेम लाइन, यानी सेम लाइन एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा शब्द जो सेम ही लाइन में प्रेजेंट होते हैं विद द सेम साउंड और सेम साउंड होते हैं और लेटर या सेम ही लेटर होते हैं. यानी कि एलिट्रेशन का तो वही एलिट्रेशन की तो पहचान ही वही है जिसमें एक ही लाइन में एक ही साउंड या लेटर का रेपिटेशन होता है, उसी को एलिट्रेशन कहते हैं. द लाइन्स वर मेड अप ऑफ टू शॉर्ट हाफ्स, और ये लाइंस जो होती हैं टू शॉर्ट हाफ्स, इसमें दो छोटे छोटे हाफ्स होते हैं, आधे आधे हिस्से होते हैं, सेपरेटेड बाय अ पॉज. मतलब इनका जो है पॉज से सेपरेट. पॉज मीन्स क्या होता है, एक रुकावट होती है चाहे कॉमा लगा करके या कोई भी पंक्चुएशन मार्क लगा करके पॉज कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, उसे पॉज कहेंगे. नो राइम वॉज यूज्ड, और राइम तो खैर यूज़ नहीं होता था. राइम का क्या मतलब है, जब किसी भी लाइन किसी भी पोएम की कंसेक्यूटिव दो लाइंस का आखिरी वर्ड के साउंड्स मैच कर जाते हैं तो उसे राइम कहते हैं. तो नो राइम वाज यूज, उस वक्त कोई राइम यूज़ नहीं किया जाता था. यानी कि जैसे भी लाइन जैसे भी वो सिंगिंग करते थे वैसे ही डायरेक्टली नोट कर दिया जाता था. हालांकि उसका एक रिदमिक पैटर्न ज़रूर होता था जो कि एक्सेंट्स पर बेस्ड होता था. नो राइम वॉज यूज बट अ म्यूज़िकल इफेक्ट वॉज प्रोड्यूस्ड. देखिए वही बात है कि म्यूज़िकल इफेक्ट जो है उसमें देखने को मिलता था बाई गिविंग ईच हाफ लाइन टू स्ट्रांगली एक्सेंटेड सिलेबल्स. यानी कि हर हाफ लाइन में स्ट्रांगली एक्सेंटेड सिलेबल्स दिए गए होते थे. यानी ये क्या होता है, एक्सेंट्स जो होते हैं ना वो हमारे इस कह सकते हैं कि एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड सिलेबल्स होते हैं, जिसमें जब हम किसी साउंड पर ज़्यादा जोर देते हैं, ज़्यादा स्ट्रेनुअसली प्रेशर डालते हैं तो उसको बोलेंगे हम एक्सेंटेड सिलेबल्स. और जब हम वो एक्सेंटेड सिलेबल्स को जब सिलेबल्स को हम बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालते, वैसे ही नॉर्मली बोल देते हैं जल्दी से, तो वहाँ उसको बोलते हैं अनएक्सेंटेड सिलेबल्स. और ये स्ट्रांगली एक्सेंटेड सिलेबल्स थे हाफ लाइन में. और ईच फुल लाइन देयर फोर हैड फोर एक्सेंट्स. तो डेफिनेटली आपको पता है एक लाइन में जब दो पॉज से अलग किया गया है तो एक ही लाइन में दो क्लॉजेज हो गई या दो पॉजेज हो गए. और हर हाफ लाइन में यानी दो हर कह सकते हैं जब एक लाइन के जब दो हाफ्स हो गए तो एक हाफ में टू एक्सेंटेड सिलेबल्स हैं. तो ईच इसी तरह से एक लाइन में बात करें तो फोर एक्सेंट्स हो गए. तो मुझे लगता है समझ गए होंगे. यानी इसका मतलब ये हुआ, एक लाइन लीजिए या एक धागा लीजिए, उसको दो टुकड़े कर दीजिए, यानी आधा आधा हो गए. और उस आधे में क्या हुआ, दो दो, एक आधे में दो और एक आधे में दो, इस तरह से चार सिलेबल्स हो जाएंगे, चार एक्सेंटेड सिलेबल्स हो जाएंगे. और थ्री ऑफ विच दैट इज़ टू इन द फर्स्ट हाफ एंड वन इन द सेकेंड. जिसमें से तीन मतलब उन चार में से
तीन की बात कही जा रही है। एग्जांपल के तौर पर पहले टू ले लेंगे फर्स्ट हाफ में और वन ले लेंगे सेकंड हाफ में। यूजुअली बिगिन विद द सेम साउंड और लेटर, क्या मतलब है? यानी एक लाइन में दो पार्ट करिए, यानी और उस हर एक पार्ट के फिर दो पार्ट करिए, पॉज जिसको कहते हैं के टू एक्सटेंडेड सिलेबल्स। ध्यान रहे कि एक लाइन को जब पार्ट में किया जा रहा है तो पॉज से अलग किया जा रहा है, यानी टू हाफ्स बनाए जा रहे हैं और हर हाफ में टू एक्सटेंडेड सिलेबल्स हैं। और टू एक्सटेंडेड सिलेबल्स तो इस तरह से चार हो गए, उन चार में से तीन के बारे में बताया जा रहा है कि दो पहले और एक बाद वाले में से ये क्या होते थे, सेम साउंडिंग वर्ड्स या लेटर्स होते थे। द म्यूजिकल इफेक्ट वॉज हाइटन्ड बाई द हार्प विद विच द ग्लीमैन अकम्पनीड हिज सिंगिंग। जो म्यूजिकल इफेक्ट काफ़ी हाई लेवल पे तब होता था जब हार्प यूज़ किया जाता था और इंसान वो जो ग्लीमैन होते थे, ग्लीमैन का मतलब होता है द पर्सन हु वॉज स्किल्ड इन सिंगिंग। ग्लीमैन जो कि यूज़ किए जाते थे जो सोसाइटी होती थी उनको अम्यूज़ करने के लिए, तो ग्लीमैन अकम्पनीड हिज सिंगिंग, तो वो हार्प का यूज़ ग्लीमैन करते थे अपने सिंगिंग को, अपने सॉन्ग को सिंग करने के लिए। उस वक्त क्या होता है, म्यूज़िकल इफ़ेक्ट बहुत हाईएस्ट लेवल पर होता था। या यूँ कह लें कि हमारे यहाँ जोगी बाबा आते थे, जोगी बाबा आते थे तो वो जब हार्प बजाते थे, हार्प साथ गाना गाते थे, तो उस वक्त जो म्यूज़िकल टोन होता था वो अपने हाईएस्ट लेवल पर होता था। तो हालांकि हमारे यहाँ जो बाबा जोगी बाबा या फिर जो ऐसा कहते हैं नहीं भाट नट जो बजाते हैं और गाना गाते हैं तो उनको इंग्लिश में मिनस्ट्रल कहते हैं। तो ग्लीमैन जो थे ये स्किल्ड थे और इनका काम था सिंगिंग। द पोएटिकल फॉर्म विल बी सीन क्लियरली इन द फॉलोइंग सिलेक्शन फ्रॉम द वंडरफुल रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिन्स हॉन्टेड बाई ग्रिंडल। अब जो है यहाँ इस लाइन में बताया गया है कि चूँकि ये पूरी की पूरी जो है लाइन पोएम ब्यूल्फ पोएम को डिस्क्राइब करती है, तो उस वक्त जो पोएटिकल फॉर्म था उस पोएटिकल फॉर्म को बड़े ही क्लियरली देखा जा सकता है। किस में देखा जा सकता है कि जो ग्रिंडल था, ग्रिंडल जो कि वो राक्षस जो कि वो डेमन था, उस में जो वो उसके जो फेंस थे ना, फेंस का मतलब क्या, जो जहाँ पे वो रहता था, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है रियली जो है वो कह सकते हैं कि जो उसको डिस्क्राइब किया गया है जिस फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है अनबिलीवेबल है वो। इट विल नीड ओनली वन और टू रीडिंग्स अलाउड टू शो दैट मेनी ऑफ दीज स्ट्रेंज लुकिंग वर्ड्स आर प्रैक्टिकली द सेम एज दोज वी स्टिल यूज द मेनी ऑफ द वाउल साउंड्स वर प्रोनाउंस डिफरेंटली बाई आवर एंसेस्टर्स। अब ये कहा जा रहा है कि जिस पोएटिकल फॉर्म को इस्तेमाल किया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फेंस हॉन्टेड बाई ग्रिंडल, तो इसमें ज़रूरत होगी इसको कम से कम एक या दो बार पढ़ा जाए और ज़ोर से पढ़ा जाए, टू शो यह दिखाने के लिए दैट मेनी ऑफ दिस स्ट्रेंज लुकिंग वर्ड्स, मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो कि अजीब से महसूस होते हैं और वी आर नॉट अवेयर ऑफ दीज वर्ड्स एट ऑल, हम लोग अवेयर भी नहीं हैं ऐसे वर्ड्स से। तो वर्ड्स आर प्रैक्टिकली, देखिए स्ट्रेंज लुकिंग वर्ड्स आर प्रैक्टिकली द सेम एज दोज वी स्टिल यूज, कहा जा रहा है कि उस वक्त यूज़ होने वाले वर्ड्स जो स्ट्रेंज लुकिंग वर्ड्स थे आज हम उन्हें यूज़ करते हैं। द मेनी ऑफ द वाउल साउंड्स वर प्रोनाउंस डिफरेंटली बाय आवर एंसेस्टर्स, और उनके जो वाउल साउंड का प्रोनाउंसिएशन होता था वो आज के ज़माने में जो हम प्रोनाउंस करते हैं उनसे डिफरेंट होता था। ओके गाइज, तो अब जो है यहाँ पर देखिए पोएम का कह सकते हैं कि एक डिस्प्ले किया गया है इस पोएम को, आप देख सकते हैं कि ये कैसे ये लिखा गया है आर्काइक वर्ड्स में, जैसे हाई डाइजल लॉन्ड वेरिजीत वुल्फ, तो थोड़ा सा वर्ड्स जो है लगभग सेम नज़र आते हैं बट प्रोनंसिएशन इनका बिल्कुल डिफरेंट है, वाउल साउंड का हम ये इसको
अलग तरीके से निकालेंगे साउंड, और आज जो निकालते हैं वो अलग है, पहले जो निकाला जाता था वो अलग है। और इसको तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक लिखा है पिग्मेलियन, उसमें भी देखा जा सकता है कि जो जिन वर्ड्स का इस्तेमाल उन्होंने किया है उसको उन्होंने किस तरह से प्रोनाउंस किया है, करेक्टर्स के माध्यम से बुलवाया है, क्लियरली आप समझ सकते हैं। तो ये आप एक बार देख लेंगे, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं वेटसीट पे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।